हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, फिर होगा डिविडेंड अनाउंस। दो बार बोनस दिया इस कंपनी और हर साल चार बार डिविडेंड देती है। तो चलिए, कौन सा है ये शेयर और डिविडेंड जो फिर से डिक्लेयर होगा, अनाउंस होगा, वो कब होगा, कितना हो सकता है एक्सपेक्टेड, जो पिछली हिस्ट्री के हिसाब से हम, हिस्टोरिकल डाटा जो हमारे पास होता है उसके हिसाब से हम देख के बताएंगे कि कितना हो सकता है वो डिविडेंड डिक्लेयर, और कब इसका जो रिजल्ट डेट है उसके बारे में बात करते हैं छोटे सी वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि कंपनी कौन सी है। तो भैया, सबसे क्लियर चीज़ है, माइंडट्री लिमिटेड एक आईटी कंपनी है। कंपनी का नाम, शेयर देखिए, माइंडट्री लिमिटेड। इंटरिम डिविडेंड आएगा जनवरी 16 2019 की, जो रिजल्ट डेट है उसी दिन ही अनाउंस होगा इंटरिम डिविडेंड। तो कितना हो सकता है, अब बात होती है कि भाई कितना हो सकता है। तो देखिए, माइंडट्री लिमिटेड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, फिर देखते हैं हम डिविडेंड कितना हो सकता है। तो बहुत बढ़िया स्टॉक है, 14,000 करोड़ के अराउंड का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 834 का शेयर प्राइस है, पी रेशियो देखिए ऑलमोस्ट 20 के अराउंड है, 184 का बुक वैल्यू है, 301 करोड़ का डेट है, कम डेट तो बहुत कम है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो 26%, रिटर्न ऑन इक्विटी 21%, सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल की एवरेज बेहतरीन 15 से 16%, फेस वैल्यू 10 रुपीज का। अब देखिए, सबसे पहले हम जाते हैं माइंडट्री के डिविडेंड की तरफ कि कितना डिविडेंड हो सकता है। तो अगर 2018 का डेटा देखा जाए, 2018 का, 2018 में अगर इसका डिविडेंड देखा जाए, तो हर बार इसने एक बार 2 रुपये, फिर 2 रुपये, फिर 3 रुपये, 3 रुपये, इस तरीके से डिविडेंड दिया। अब 2017 का आप डेटा देखिए, तो इसने देखिए 2017 में देखिए एक बार 3 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये, इस तरीके से डिविडेंड दिया है। तो अगर जनवरी का डेटा देखा जाए तो 2 रुपये का डिविडेंड देता ही है ऑलमोस्ट। तो इस हिसाब से तो मतलब 2 रुपये का ही डिविडेंड आने वाला है इस बार भी। ओवरऑल जो टोटल डिविडेंड हो जाता है वो 10 रुपये का हो जाता है इसका, पूरे साल का जो कोटा इसने लगा रखा है। तो ये तो है डिविडेंड। और अब रही बात बोनस की, तो क्वेश्चन आता है कि एक बोनस कितना देता है। तो देखिए, 1:1 का बोनस देने वाला दिया है इसने 2016 में और 2014 में। अभी पिछले मतलब दो दो साल के गैप में दिया, 2018 में कोई बोनस नहीं दिया। इस हिसाब से एक्सपेक्टेड तो ये भी लग रहा था कि 2018 में भी बोनस देगा, तो 2018 में कोई बोनस नहीं दिया। 2014 और 2016 में दो बार बोनस दिया 1:1 का। अच्छा बोनस होता है 1:1 का, और डिविडेंड हर साल चार बार देता है, थोड़ा थोड़ा डिविडेंड देता है, लेकिन हर क्वार्टर में डिविडेंड जरूर बांटता है माइंडट्री। अभी इस शेयर में अगर आप देखोगे तो काफ़ी गिरावट है। गिरावट का मतलब देखिए, बिल्कुल निचले स्तर पर आया अपने हाई लेवल से, ऑलमोस्ट 1200 के हाई लेवल से। ये यहाँ पे देखिए 30% के अराउंड का डिस्काउंट तक चला गया था ये देखिए, फिर वहीं जो इसका ये कंसोलिडेशन फेज था वहीं से बाउंस बैक हुआ है। और अभी भी जो कंटिन्यू अमेरिकी बाजारों में जो गिरावट चल रही है, उसकी वजह से ये स्टॉक बिल्कुल नीचे जा रहा है। और मैं तो ये कहूँगा ये 700-750 के लेवल पर फिर से पहुँचे तो बढ़िया एंट्री पॉइंट, और सेकंड लेवल का एंट्री पॉइंट जो है वो दिखता है 550 के लेवल पर, और थर्ड लेवल का 450 के लेवल का। तो ये 2-3 लेवल से अगर गिरावट दिखती है इस बढ़िया स्टॉक में, तो इन लेवल्स पर आप इसको पकड़ सकते हो। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बढ़िया डिविडेंड देता है ये शेयर, ऑल दो अभी गिरावट है इसमें, 3 रुपये का डिविडेंड या 2 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है रिजल्ट के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।